मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। किसानों से धान खरीदी कर पैसा न देते हुए फरार आरोपी गिरफ्तार। जिले के माल खरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम नवा गांव के हैं निवासी आरोपी। इस मामले में ठगी के शिकार हुए किसान ग्राम आडिल और नवरंगपुर के हैं निवासी। माल खरौदा थाना में धारा 420 के तहत था मामला दर्ज। आज इस मामले में आरोपी भगत राम रात्रे को भेजा गया है जेल। सख्ती से करण अजगल्ले की रिपोर्ट। बताओ। मेरा नाम दिलीप कुमार गबेलानी, थाना मालखौदा, जिला सख्ती का निवासी हूँ। मैं 950 कट्टा धान बेचा भगत राम रात्रे, गांव नवा गांव, जिला सख्ती, थाना मालखौदा के पास 950 कट्टा धान बेचकर हम लोगों को पैसा, इसलिए शासन से निवेदन है कि हम लोगों का पैसा दिलाने का कृपा करें। अब गिरफ्तारी हो चुके हैं, साथ में गिरफ्तारी हो चुके हैं। 6 लाख के बना दाबन के बेचा का दाबन के वही 6.5 लाख, 7 लाख रुपया, 6.5 लाख रुपया का धान बिक्री किए हैं। मैं नवरंगपुर के निवासी हूँ, शक्ति जीवनलाल सुजार, शक्ति मोर थाना, और भगत राम रात्रे के नगद में पैसा धान बेचो हूँ 598 कट्टा। 598 कट्टा में पैसा नहीं दे, और शासन से ये निवेदन कर रहा हूँ मेरा पैसा मिल जा। 4,21,000 कुछ पैसा है। आरोपी है ये बोला थे कल के डेट में मतलब पैसा तो कह रही से मतलब आज इनकार कर दी। कहाँ है आरोपी? अभी आरोपी ये तो मतलब गिरफ्तारी हो गए हैं। हुए जे मैं 106 कट्टी धान बेचे हूँ, जो हर खरीदे के रही से और 2 दिन के गए में पैसा दे रहा कहीस और धान ला लेगी तो 2 दिन के गए में गायब हो गए। हमन पुलिस में कार्रवाई करे हैं लेकिन 1 महीना के बाद पकड़ाई से उहर, और पकड़ाए के बाद में उहर ओला पैसा ला कहे रहें कि कल आए रहें पैसा भर, तो कल दहाका के कहे रही से वो आज पूरा पैसा ले इनकार करा थे। हमला शासन से पूरा निवेदन है कि हम उनके पैसा ले दिए जाए। कौन है आरोपी का नाम? ओ धान वाला है, भगत राम रात्रे, नावा गाँव।